और दूसरे क्षण सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि यह ग्रह एक सांप की तरह मुझे दृष्ट में मिल जाता है। कनक आवास वास सब फीके, बिन पिय के प्रसंग, महाविपत बिहाल लाल बिनु लागे ग्रह बुझो। इस जीवन अपने आप में सांप की तरह मुझे डस रहा है, जहर फैल गया है। मैं तो केवल तुमसे पाने के लिए बेताब हूं और मैं तुम्हें पाऊंगी ही, हालांकि रास्ता बड़ा कठिन है और ये बात यह है कि ये अथक है। इस कहानी को मैं कह भी नहीं सकती, कहां तक कहूं। जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी प्रेम की कहानी अखत है, अकथ, जो कह नहीं सके, जिसको बयान किया ही नहीं जा सकता, जिसको जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इसमें तो केवल जलना ही जलना है। ये तो एक बात है जो पूरे आलम तक फैल जाती है, मगर ये बात तो निश्चित है कि बात फैलेगी तो फैलने दे, मगर मैं तुझको पाकर के तो रहूंगा। ये तो मेरी हस्ती है, ये तो मेरा मकसद है, ये तो मेरी एक भावना है। गरिमा चाक भी होगा, फुगना तक बात आ पहुंची, वहां तक जा ही पहुंचेगी जो यहां तक बात आ पहुंची। मिटाकर अपनी हस्ती तुझको आखिर पा ही लूंगा मैं, जलेंगे बालों पर भी आसियां तक बात आ पहुंची। बनाया था जलाने ही को आखिर आशियां अपना, चमन में शुक्र है बरके तपा तक बात आ पहुंची। शरीके कारवां हूं मैं गुबारे कारवां होकर, मेरे मिटने की मेरे कारवां तक बात आ पहुंची। मुझे जो मुस्कुराकर अपने हाथों जाम बक्सा था, इनायत थी मगर अब दास्तां तक बात आ पहुंची। चमन वालों उठो आरा ही से महफिल का वक्त आया, खिजा से अब बहारें बेखिजा तक बात आ पहुंची। सजाएदार हो तजवीज अब मेरे लिए शायद, जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची। अब तो बात फैल गई, अब तो सब जगह बात फैल गई। अब तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं तुम्हारे अलावा दूसरा सोचने की जरूरत कर ही नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें ही पाने के लिए और तुमसे एकाकार होने के लिए तो जिंदगी को एक रमा किया है, जिंदगी का एक मकसद बनाया है, एक एहसास किया है, और मैंने बहुत एहसास किया है, क्योंकि अब इस शरीर में विरह ही विरह, अब इस शरीर में आग ही आग है। बिरहिण बिहरे रैन दिन, बिन देखे दीदार, यह काया जलती रहे जाग गया विरह अपार। अपार जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अब मैं किस तरीके से, किस पर एतबार करूं, किस पर भरोसा करूं, इस बात का मुझे अब कोई इल्म नहीं रहा। कांटों पर एतबार किया है कभी कभी, फूलों को शर्मसार किया है कभी कभी, पैमाना ए बहार किया है कभी कभी, जलगों को आश्कार किया है कभी कभी। रहम आ गया जो इन पे मेरे जब्त इश्क को, आंखों को इश्क बार किया है कभी कभी। रस्म और रिवाज इश्क का कायल नहीं मगर, दामन को तार तार किया है कभी कभी। वो बेखबर नहीं हूं हकीकत से खार की, फूलों पे एतबार किया है कभी कभी। जो देवता भी पान सके मैंने वो कदम चूमे हैं, उनसे प्यार किया है कभी कभी। सर आस्था पे तेरे झुकाए रहा मगर, इनको सुपूतदार किया है कभी कभी। मैं हूं तो कोई दूसरा कैसे हुआ कहीं, मैं ही को तू शुमार किया है कहीं। मेरी जिंदगी में कांटों पर भी एतबार किया, दुश्मनों पर भी एतबार किया, दोस्तों तो दोस्ती की या नहीं की, मगर जो दुश्मन थे उन पर भी भरोसा किया, एहसास किया कि शायद जिंदगी का कोई मकसद मिल जाए, शायद जिंदगी का कोई रास्ता मिल जाए। मगर जब मैंने निश्चय कर लिया कि अब तो जिंदगी का कोई दूसरा मकसद है ही नहीं, और मेरा साफ साफ कहती थी कि अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दे कुल की कहानी कहा करिए कोई, अब कुल की लोक मर्यादा में छोड़ दिए रखा जाएगा। जो कुछ समाज करेगा तो करेगा, एक बार करेगा, एक बार गाली देगा, एक बार बदनाम करेगा तो कर देगा। जब दो साल बाद ही बर्बाद होना है, जब दो साल बाद ही बदनाम होना है तो आज ही बदनाम हो जाए, फिर दो साल को बर्बाद क्यों करे। छोड़ दे गुड़ की कहानी कहा करिए कोई, संतम दिल बैठी बैठी लोक लाज कोई। अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बोली बोई, और ये प्रेम की बेल आंसुओं के जल से ही सींची जाती है। अगर आंसू है तो ये प्रेम की बेल बनेगी, और प्रेम की बेल बनेगी तो विरह की एक फल लगेंगे।
अंशुमन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद, अब तो जीवन में आनंद ही आनंद है, अब जीवन में एक मुस्कुराहट मुस्कुराहट है, क्योंकि इस मुस्कुराहट के पीछे ये किसी का इंतजार है, ये किसी के मिलने की कोशिश है। अब करूं भी क्या, मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों में कोई बात झलके, मैं नहीं चाहती समाज उसको पढ़े अनुभव करे। हृदय माँ ही प्रेम जो नैनों झलके आए, विरा विथा कासू कहूं कौन मिला विधा। अब मैं क्या कर सकती हूं, मैं अंदर जो प्रेम की चिंगारी है वो तो आंखों से प्रकट हो ही जाती है, झलक जाती है, झलक जाती है, लोग पढ़ लेते हैं, लोग पढ़ लेते हैं और बातें करने लग जाते हैं, अब सामने गढ़ने लग जाते हैं, मैं गढ़े सोचे, जो कुछ सोचना है उनको सोचने दें। मैंने अपनी जिंदगी का एक रास्ता अख्तियार किया है, मैं तो रास्ते पर चलूंगी ही, मैं तो उसको पाऊंगी ही, क्योंकि और कोई मर्द जिंदगी में है ही नहीं, जो है वे नामर्द है, जो मर्द है वो मुझे मिला नहीं। नामर्दा का क्या करूं, मर्द गयो मोहि त्याग, इन नामर्दों को चारों तरफ जो घूम रहे, जो आवाजें दे रहे हैं, जो मुझे ताक रहे हैं, ये नामर्द है, इन्हें ताकत नहीं है, इनमें हौसला नहीं है, इन्हें हिम्मत नहीं है। नामर्दों का क्या करूं, मर्द गयो मोहि त्याग, मैं तो कुंवारी ही रही तुझ बिन कहीं विधि इरा, मैं तो जिंदगी भर कुंवारी रही, जिंदगी भर नामर्द तो मिले जो मुझे पाने के लिए चाह रखी, मगर नामर्दों को तो पाना और कुंवारी रहना अपने आप में बराबर है। जरूरत तो है कि कोई मर्द मिले और तुम मिलो, और तुम मिलो और मैं विवाह करूं, विवाह वेदी पर बैठूं, अपना हाथ तेरे हाथ में सौंपूं, निश्चिंत हो जाऊं। मगर यह बीरेन्द्र बौरी भाई तो पागल हो गई है, यह बीरेन्द्र बौरी भाई पागल हो गई है, जानत ना को भेद, अब तो कोई भेद भी नहीं रहा, अब ये पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, कब हंसना चाहिए कब बोलना चाहिए, कब खाना चाहिए कब सोना चाहिए, एक जुनून सा हो गया, एक पागलपन सा हो गया है। ये बीरेन्द्र बौरी भाई जानत ना को भेद, अगिन बरे हीरा जरे भय कलेजे छेद, आग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा हीरा जरे, सारा हृदय जल रहा है और कलेजे में जैसे छेद हो गए हों, एक एक छेद तुम्हारी याद को, तुम्हारी कसरत को याद दिलाते रहते हैं। और ऐसी हालत में नींद आ भी कैसे सकती है, ऐसी हालत में चैन मिल भी कैसे सकता है, क्योंकि एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसी तलवार की धार लगी है जिसने दिल को बीध दिया है, दिल के आर पार वो तलवार हो गई है, जो कोई विरही नाम के जिनको कैसी नींद, जिनके साथ विरह का ठप्पा लग गया उनको नींद आ भी कैसे सकती है, जो कोई विरही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लागा नेह का गया ये को बीन, एक तलवार लगी शस्त्र लगा और बीन दिया कलेजे को, बीन दिया और जिंदगी का एक लुत्फ आ गया, जिंदगी का एक आलम आ गया, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो मेरा प्रिय एक बाण ऐसा है जो कलेजे को छेद देता है, ऐसा है कि वह है तभी तो विनय के बाण चले, उसकी इंतजार है तभी तो मेरा आनंद टूटा, और अब इस शरीर में और कोई टांका नहीं लग सकता, अब कोई जोड़ नहीं लग सकता, अब तो केवल वह आकर के ही इस शरीर को वापस जोड़ सकता है। पिव मेरो सबदी बान है, पिव मेरो सबदी बान है, अंग अंग डारे तोर, प्रेम खेत घायल गिरे, टांका लगे न जोर। और मैं अब और किसी तरीके से अपने जीवन को चलाना भी नहीं चाहती, अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो तीर मुझे लगा है उस तीर के सहारे अपनी जिंदगी को काट लेना चाहती हूं। मैं तो क्या कहूं, ये तो कहानी अकत कहानी है, बहुत इंतजार किया है, आंखड़ लिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, उसका रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई, आंखें धुंधला गई, अब तो साफ साफ दिखाई भी देना बंद हो गया, इतना आंसू बहा है कि अब उन आंखों में चमक नहीं रही, आंखड़ लिया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जीभड़ लिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, अब तो जीभ में छाले पड़ गए, बार बार पीऊ पीऊ शब्द रटते रटते, इतना हजार इतना करोड़ बार तुम्हारा नाम लिया, इतनी बार तुम्हें पुकारा कि शायद जीभ पे छाले पड़ गए, अब तो बोला भी नहीं जाता, अब मैं और क्या कर सकती हूं, अब तो केवल एक ही बात रह गई है, इस तन का दीवा करूं, इस तन का दीवा करूं, बाकी मिलूं जीव, अब इस शरीर को दिया बना दूं।
और जो जीव है जो प्राण है इसका मैं इसमें तेल डाल दूं, बाती लगा दूं, ये तन का दीवा करूं, बाती मिलूं जीव, लोही सींचूं तेल ज्यों, कब मुख देखूं की, और तेल की तरफ मैं खून जलाऊं, जलाता रहूं और जलाती रहूं उस खून को, और अंतिम क्षण तक भी उस तेल की जगह अपने खून को देते देते इंतजार करती रहूं कि मैं तुम्हारा मुंह देखूं। जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर तुम्हारा मुंह मुझे दिखाई दे जाएगा, मिलना हो जाएगा, तो फिर मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी आस है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर मुझे मिलोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन यह मेरी यात्रा, यह मेरा रास्ता पूरा होगा ही, जरूर तुमसे मिलना होगा। नैनन तो झड़ी लागिया रेंट बहे इस बार, ऐसी झड़ी आंखों की लगी है कि जैसे पानी का कुआं चल रहा, रेंट बह रहा। नैनन तो झड़ी लागिया रेंट बहे इस बार, पपिया ज्यों पियू पियू रटू पिया मिलन की आस। एक 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 क्षण मैं उस पिया मिलन की आस में पियू पियू करती रहती हूँ। इसके अलावा तो न मुझे कोई मंत्र आता है, न मुझे कोई शास्त्र आता है, न कोई दर्शन आता है, न पूजा, न पद्धति, और कोई इसके अलावा मुझे कोई शब्द भी नहीं याद है, न मैं और किसी शब्द का उच्चारण करना चाहती हूँ, मेरे मुंह से दूसरा कोई शब्द नहीं निकले, केवल पियू शब्द निकले, क्योंकि इसी शब्द के सहारे मैं इस कठिन रास्ते को पार कर लूं। और फिर लोग कितने पागल हैं, लोग समझते हैं कि मैं बीमार, और लोग बुला देते हैं वैद्य, और वैद्य क्या समझेगा, करेगा क्या, वह मुझसे मेरी बीमारी को समझेगा कैसे। कबीरा वैद्य बुलाईया पकड़ के देखी बांह, कबीरदास जी कहते हैं कि ये वैद्य बुलाया और मेरी बांह और मेरी नाड़ पकड़ के देख रहा है कि शायद मुझे क्या बीमारी है। कबीरा वैद्य बुलाईया पकड़ के देखी बांह, वैद्य न वैद्य ही जान ही कर्क कलेजे बांह। ये वैद्य अपनी वैदिक नहीं जानता, इसको इलाज करना नहीं आता, ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, ये जो कर्क है, ये जो घाव है, ये कलेजे के अंदर है, और जब तक कलेजे का कोई इलाज नहीं होता, जब तक दिल को कोई सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, तब तक वैद्य क्या वैद्य करेगा, तब तक वो मुझे क्या ठीक करेगा, तब वो मेरा इल्म वैशा इलाज समझेगा भी क्या। और मैं तो अपने जीवन में बिना पिए के अपने आप में मछली की तरफ रही हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी क्षण मौत आए मैं समाप्त हो जाऊं। हर क्षण मैं इंतजार करती रहती हूं कि कोई मौत आए, कोई तो सहारा मिले, या तो विरह सहारा है या फिर मौत का सहारा मिले, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मौत भी मेरे पास आ जाती है तो मुझे किसी प्रकार का अफसोस को दुख नहीं है, आए तो सही, क्योंकि मौत की बात तो मैं उसके पास जा सकूंगी, या तो मेरे पंख लगे कि उड़ के उसके पास चली जाऊं, या मैं उसके पास जाकर मिलूं, या वो मुझे मिले। नीर बिनु मीन दुखी, बिना पानी की मछली दुखी, नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे, जैसे दूध के बिना शिशु दुखी होता है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषध बिनु कैसे रही हो जाते हैं। और जिसके कलेजे में पीर है वह और औषधियों से कैसे ठीक हो सकती है, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, बाकी दवाइयां क्या अर्थ रखेगी, क्योंकि मेरी तो दर्द कुछ और है। मैं समझती हूँ कि मेरा दर्द क्या है, मैं समाज को बता भी नहीं सकती, मैं घर वालों को नहीं कह सकती। चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह करी सर पर गुलात है, निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंद चाहे, ऐसी जाको चाह ताको कछु न सुहात है, प्रेम को प्रभाव ऐशो प्रेम तहां नेह कैसो, सुंदर कहे तो यह प्रेम की ही बात है, और जहां प्रेम है वहां मिलना कैसा, जहां प्रेम है वहां उदासी कैसी, बेचैनी कैसी, तड़फ कैसी, वहां तो अपने आप को तिल तिल करके जलाना है, प्रेम की रीत ही है। प्रेम को पंथ कठोर कराल तलवार की धार पे धावनो है, ये तो ऐसा है कि जमीन पर नहीं चलना है, प्रेम का रास्ता ही ऐसा है कि जैसे तलवार पर पांव दे करके चलना है, और पैर लहूलुहान हो जाते हैं, और जिनके पैर लहूलुहान हो सकते हैं वो प्रेम भी चल सकता है, जो प्रेम भी चलता है उनको ये खतरे तो झेलने ही पड़ते हैं, ये खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं।